साल बीत गया, दो राज्य में विधानसभा चुनाव भी खत्म हो गए, लेकिन एक चीज है नहीं बदली, वह पद्मावती को लेकर जारी विरोध। अब जबकि फिल्म के 25 जनवरी को रिलीज की चर्चा है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। रिलीज की कश्मकश में सबसे मजेदार इसका दूसरा पहलू है। आमतौर पर बड़ी फिल्मों के साथ छोड़िए, उसके आसपास की डेट्स पर भी निर्माता फिल्मों को रिलीज करने से बचते हैं। इसकी वजह थिएटर में स्क्रीन के बंटवारे को लेकर मारामारी और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का सुरक्षित कारोबार है। जैसा कि 25 जनवरी की डेट पर सोशल इशू पर अक्षय की पैडमैन की रिलीज होने से तय है, अब इसी डेट पर संजय लीला भंसाली की पद्मावत के रिलीज होने की चर्चा से ट्रेंड पंडित सकते में है। ये बड़ा सवाल कि बॉक्स ऑफिस पर अक्षय का बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए पद्मावती के मेकर्स ऐसा जोखिम क्यों मोल रहे हैं, जबकि इसके ठीक एक दिन बाद नीरज पांडे के निर्देशन में बनी अय्यारी रिलीज हो रही है। पद्मावती का बजट करीब 180 करोड़ रुपए है। फिल्म को लेकर जिस तरह के विवाद हुए हैं, निर्माता नहीं चाहते कि उसकी छाया फिल्म के प्रदर्शन पर पड़े। गणतंत्र दिवस होने की वजह से इन डेट्स के आसपास फिल्म के खिलाफ किसी संगठन का हिंसा विरोध करना थोड़ा मुश्किल कार्य है। दरअसल सार्वजनिक अवकाश होने की वजह से इन सब जगहों पर मूवमेंट आमतौर पर कम ही होता है। HCN न्यूज़ की रिपोर्ट।